फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज हम हिबिस्कस पौधा, जिसको हम हिंदी में गुड़हल कहते हैं, जो कि ये है, इसके ऊपर हम मल्टीपल ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। ये है वो पौधा और ये है वो डाली जिसके ऊपर हम आज मल्टीपल ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। जो डाली है बहुत ही मजबूत और सेहतमंद है और मोटा भी है, जिसके कारण हमको 4 या 5 साइन ठाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और उसमें सक्सेस रेट भी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे हम मल्टीपल ग्राफ्टिंग इसके ऊपर करेंगे। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का हिबिस्कस है, इसको हम ले लेते हैं। ये और एक प्रकार का है। तो दोस्तों, ये एक और पौधा है जो कि स्वस्थ नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो फूल है बहुत ही बेहतरीन है, तो हम इसको भी ग्राफ्टिंग में शामिल कर देंगे। कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती, तो इसको भी हम ले लेते हैं। इन पत्तों को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पत्तों को नहीं निकालते हैं तब ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पत्ते सब खाद खींचना शुरू कर देंगे। तो ऊपर वाले 1-2 पत्ते हम छोड़ देते हैं और बाकी सब पत्तों को हमको निकालना अनिवार्य है। पौधा है थोड़ा सा कमजोर लग रहा है और ये काफी लंबा है, हमको इसको थोड़ा सा काटना होगा और इसकी लंबाई कम करनी होगी। तो ऊपर से हम इसको काट देते हैं। ये साइंस अब तैयार हो चुके हैं। चलिए, हमने साइंस तैयार किए अलग अलग प्रकार के, अब देखते हैं कैसे ग्राफ्टिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। Thank you.
हमने 6 साइंस इनमें अभी डाल दिए हैं और एक जगह हमारे पास बाकी है, तो हम 7वां साइंस हम इसमें डालने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या सक्सेस रेट है। क्राफ्टिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। अभी हमने इसमें 7 प्रकार के गुड़हल के हिबिस्कस के डालियों को क्राफ्ट किया हुआ है। देखते हैं कितने सक्सेस हो जाएंगे और कितने नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये और एक हमारा सक्सेस स्टोरी है, ये 7-in-1 है। ये देखिए, इसमें हमने सुराग बनाया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ह्यूमिडिटी भरी हुई थी और पौधे को तकलीफ हो सकती थी, और यहाँ पर भी हमने खोल दिया है ये पॉलीथीन बैग को। अब हम इसको उतार देंगे और आपको 7-in-1 का सक्सेस स्टोरी बताएंगे। इसको हमने लगभग 25 दिन पहले क्राफ्टिंग किया था और 10 दिनों में हमने इनमें सक्सेस देखना शुरू किया। एक एक डाली में हमको पत्ते आने शुरू हो गए और दिख रहे थे, और अब तक सारे डालियों में पत्ते आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पत्ते आ रहे हैं, और शायद मैं कहूँ एक ही महीने में इनके अंदर शायद फूल भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा आपको यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ। आशा करते हैं एक महीने में कोई ना कोई डाली में से, कोई ना कोई ब्रांच में से फूलें आ जाएं। तो अब हम इसका जो मेन ब्रांच है, मेन जो जगह है जहाँ पे ग्राफ्टिंग हो चुका है, इसको हम खोलेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सारे ब्रांचेस, सारे डालियां जुड़ चुकी हैं। ये जो है अंदर का मदर प्लांट का स्टेम है, जो सफेद दिख रहा है, जो उसके साथ अभी ये 7 ब्रांचेस जुड़ चुके हैं। इस पौधे में 7 प्रकार के फूलें आ जाएंगे। तो अब हम आपको फूल आने तक इंतज़ार नहीं करवाएंगे। ये आपको हमने सक्सेस स्टोरी दिखाया है, वो जो फूल आने वाला सक्सेस स्टोरी आपको हमारे अपडेटेड वीडियो में दिखाई देगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।